हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा तिवारी फूड फैशन एंड फन। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अभी एक मेकअप वीडियो शूट किया है, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ मेकअप रिमूव का भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था और जिनको नहीं पता है उनके लिए भी, क्योंकि मैंने जो भी अभी कॉस्मेटिक अपने साथ शेयर किया था उसमें मैंने मेकअप रिमूव का भी सामान आप लोग को दिखाया था। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये वाला मेकअप लुक भी आने वाला है जल्दी, तो प्लीज़ इस मेकअप लुक को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर अप्रिशिएट करिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आईलैशेस लगाए हैं, इसको भी रिमूव करते हैं। मैंने आपको ये गार्नियर का क्लींजिंग पाउडर दिखाया था, मैं इसी से ही अपना क्लीन करूं। तो ये कॉटन पैड है, मैं इसमें ये वाटर लूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस क्लीन हो चुका है, मैंने टोनर से टोनर लगा लिया था। और अगर आप चाहें तो क्लींजिंग वाटर से रिमूव करने के बाद आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं तो मैं फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ पानी से ही वॉश कर लेती हूँ। और अभी मैंने टोनर से क्लीन कर लिया है, अब मैं मॉइस्चराइज़र मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गया है। और अपने मेकअप को रिमूव करके या ऐसे पानी से डायरेक्ट वॉश करके मत क्लीन करिएगा कभी भी, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे। तो जो प्रॉपर वे होता है उसी तरीके से अपना मेकअप रिमूव करिए। तो देखिए क्लीन हो चुका है, बहुत ईजी है। तो होप आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए लोग हैं इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।